प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आकाशवाणी प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए कल 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया। 100 वॉट के ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी में ट्रांसमीटरों का नेटवर्क 524 से बढ़कर 615 हो गया है। इस सुविधा के बाद आकाशवाणी का प्रसारण देश की 73% से अधिक आबादी को सुलभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकाशवाणी को बधाई देते हुए कहा कि FM प्रसारण सेवा के विस्तार में ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रौद्योगिकी को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गांव में ऑप्टिकल फाइबर और सस्ते डेटा से लोगों तक सूचना की पहुंच को आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूचना के प्रसार और कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान व्यक्त करने में ये FM ट्रांसमीटर और इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। साथियों, जब बात रेडियो और FM की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। देश के सबसे बड़े DTH प्लेटफॉर्म DD फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लेह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने देश में रेडियो के विस्तार में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को श्रेय दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए FM ट्रांसमीटर शुरू होने से कृषि के अलावा खेल से जुड़ी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये ऐतिहासिक पल हम सबके लिए है कि एक साथ एक नहीं 91 FM ट्रांसमीटर्स का उद्घाटन लोकन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कीमती समय इस उद्घाटन के लिए दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।